हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पिंकी प्रिया स्टाइल में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक रिव्यू वीडियो लाई हूँ जो कि सनस्क्रीम के बारे में है। ज़्यादातर लोग सनस्क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट आजकल लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं अपनी स्किन केयर को लेकर। तो धीरे धीरे ये अवेयरनेस सबको होती जा रही है कि हमें सनस्क्रीम भी यूज़ करनी चाहिए, वरना नॉर्मली देखा जाए तो लोग स्किन को क्लीन करते हैं और मॉइस्चराइज़ करते हैं या मॉइस्चर लगाते हैं या कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, बस इतना ही उनका डेली रूटीन होता है। डेली वाले लोग तो बस इतना ही करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग को जानकारियाँ मिलती जा रही हैं और हम लोग अपने लिए अवेयर होते जा रहे हैं अपने स्किन केयर के लिए, तो लोग सनस्क्रीम का भी अच्छे खासी जनसंख्या सनस्क्रीम का भी यूज़ करने लगी है। तो उसी में आज मैं भी एक सनस्क्रीम का रिव्यू करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज़ आप सभी को बता दूँ कि हमें अपनी स्किन केयर में सनस्क्रीम को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जैसे CTM हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह सनस्क्रीम भी बहुत ज़रूरी होती है। शायद कुछ लोग CTM के बारे में नहीं जानते हों, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि CTM का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। तो ये तीनों बहुत ही अहम हिस्से होते हैं स्किन केयर में। तो वो स्किन चाहे हमारे फेस की हो, नेक की हो या हैंड की हो, हम हैंड वगैरह में तो टोनर नहीं लगा अप्लाई करते हैं, बट फेस में हम टोनर भी अप्लाई करते हैं। इस बहुत ही मस्ट प्रोडक्ट है वो भी, आप ये समझिए। सनस्क्रीम और टोनर जो होता है वो हमारी एजिंग को डिले करता है और हमारी स्किन पे झुर्रियाँ बहुत देर से आती हैं। जितनी जल्दी अगर आप इसका यूज़ करने लगेंगे उतने ही फ़ायदे भी आपको नज़र आने लगेंगे। तो दोस्तों, इसी रेंज में मैं सनस्क्रीम के बारे में बताती हूँ। ये देखिए जोवीस की है सनस्क्रीम, इसकी पैकेजिंग देख लीजिए कितनी खूबसूरत है। इसका येलो वाइब्रेंट कलर और वाइट के साथ है, कितना प्यारा लग रहा है। और इसका कैप देखिए, बिल्कुल परफेक्ट कैप है इसका और अच्छे से लॉक भी हो जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये जोवीस का सन प्रोटेक्टिव SPF 40 है। इसका SPF है जो वो 40 है। आप सोच रहे होंगे कि इतना हाई SPF क्यों है, तो इसका भी मैं रीज़न बताऊंगी आपको कि इस 40 SPF के बारे में कि ऐसा क्यों है। क्योंकि SPF 15 से लेकर के 70-80 तक आते हैं, 70 तक तो आते ही हैं। पहली चीज़, ये जो जोवीस का है ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट है और ये पैराबिन फ्री है। इसकी MRP दोस्तों 212 रुपये है 10% डिस्काउंट के बाद, और इसका वेट जो है वो 50 ग्राम्स है। और इसकी सेल्फ लाइफ दोस्तों 3 इयर्स की है। आप 3 इयर्स तक आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर ये 50 ग्राम का पैक है तो इतने दिन तो चलना इम्पॉसिबल है, बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इसके SPF के बारे में बात करते हैं कि इसका SPF मैंने 40 क्यों लिया। अगर हम लोग SPF जैसे 15 यूज़ करते हैं तो वो हम लोग को घर में रहने वालों के लिए सफिशिएंट है। जितना हाई SPF होता है वो उतना ही ज़्यादा सन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मगर जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें इतने हाई SPF की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप 15 से लेकर 25 तक आराम से घर में यूज़ करिए। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्टर, जो कि हमारा सन से प्रोटेक्ट हमको करता है। तो इसलिए ये SPF 40 उन लोगों के लिए है जो लोग घर से बाहर जाकर काम करते हैं या फील्ड वर्क करते हैं, तो उनको ज़्यादा SPF की ज़रूरत रहती है। और ज़्यादा SPF मतलब ये ज़्यादा टाइम तक आके आपकी स्किन पर स्टिक करता है।
जितना कम SPF होगा वो उतने ही कम देर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। मतलब SPF 15 है तो आप ये समझ लीजिए कि 1 या 1.5 घंटे ही करेगा, SPF 20 है तो 2 घंटे करेगा, और 25 है तो 3 घंटे करेगा, और 40 है तो आप ये समझिए 3 से 4 घंटे ये आपको अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। इसकी एक अच्छी सी लेयर आप अपने स्किन में लगाइएगा तो ये आपको 4 घंटे तक बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। अगर आप इससे ज़्यादा भी बाहर रहते हैं तो फिर आप अपने साथ एक वेट वाइप रखिए और SPF इसको सनस्क्रीन को रखिए और इसको फिर से रीअप्लाई कर लीजिए। अगर आप ज़्यादा देर के लिए सन एक्सपोज में रहते हैं तो आपको सनस्क्रीन रीअप्लाई करनी ही चाहिए। अब इसकी मैं कुछ ख़ास बातें बता देती हूँ, इस सनस्क्रीन को मैंने क्यों चूज़ किया है। पहली चीज़ तो ये हर्बल प्रोडक्ट है, सेकंड इसकी खासियत है कि ये पैराबिन फ्री है, थर्ड इसकी खासियत है कि ये लगाने के बाद हमारी स्किन में वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है। जो कुछ सनस्क्रीन लगाने के बाद स्किन बहुत ही वाइट वाइट सी, ऐसे यहाँ यहाँ रिंकल्स से आ जाते हैं कि बहुत एक मोटी लेयर कोई लगी हुई हो, तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं आती है। और ये नॉन स्टिकी है और ये बहुत ही जल्दी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है स्किन में, आपको बहुत देर स्किन में ये मल करके अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत जल्दी ही आपकी स्किन में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। इसका मैं अभी डेमो आपको अपने हैंडों पर करके दूंगी तो आप देखिएगा। तो दोस्तों इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इसके पीछे इसको अप्लाई करने का तरीका पूरा लिखा हुआ है और ये इसमें क्या क्या प्रोडक्ट से मिलकर ये क्रीम बनी है। जैसे इसमें सैंडलवुड है, एलोवेरा है और कुछ चीज़ के एक्सट्रैक्ट हैं, तो ये सब आप इसमें पूरा इसमें मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसमें ये भी दिया हुआ है कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले अपने फेस को क्लींज करना है, फिर आपको एक अच्छा सा टोनर अप्लाई करना है, उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। अगर आप घर में भी रहते हैं तो आप SPF 15 से लेकर 25 तक की सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप कितनी देर के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से 30 या 40 SPF 30 या SPF 40 आप को सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन हमें UVA और UVB किरणों से, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे बहुत सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि जो UVA होती है वो हमारी स्किन के अंदर जा कर के हमारी स्किन को डैमेज करती है, तो सनस्क्रीन उसको भी रोकती है। और UVB जो होती है वो हमारी आउटर लेयर पे जा कर के उसको डैमेज करती है, उसी की वजह से हमारे रिंकल्स हो जाते हैं और दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाता है, ये सब इसी वजह से होता है कि हम सनस्क्रीन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि और सब क्रीमों की तुलना से सनस्क्रीन महंगी होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। बट मेरी तरफ़ से अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो आपको सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी चाहिए। अगर आप मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दो चीज़ों में पैसे वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसी सनस्क्रीन का चुनाव करिए जो मॉइस्चराइज भी हो और उसमें सनस्क्रीन के गुड़ भी हों। तो ये आपको 2-in-1 प्रोडक्ट भी मिलते हैं, ऐसे भी हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं, तो आपको डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सिंगल खर्चे में आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ये सारी स्किन्स के लिए है, ड्राई टू नॉर्मल, नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, ये सभी स्किन टाइप वाले ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट अगर जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दें, आप डायरेक्ट इसको ही यूज़ करें अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। तो ये आपको मॉइस्चराइज भी स्किन को करती है, अच्छे से करती है, और फिर आपको मॉइस्चराइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसका टेक्सचर वगैरह देख लेते हैं कि कैसा है। ये देखिए ये कितना थिक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मैं अपने हैंड पर यूज़ करके दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये दो ही बार में कितने अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है, और इसमें देखिए शाइन भी है हल्की सी, मगर ये वाइट वाइट सा स्किन को नहीं करती है, ये अच्छे से आपकी स्किन को देखिए मॉइस्चराइज कर देगी और एक अच्छा सा ग्लो रहेगा जब तक आपकी और स्किन में ये लगी रहेगी, अच्छा सा ये ग्लो भी देगी। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आप दोनों हैंड में मेरे अंतर देख सकते हैं इसको लगाने के बाद और इसको लगाने से पहले। और दोस्तों ये जैसे हम फेस को वॉश कर लेते हैं वाटर से, प्लेन वाटर से, तो भी ये जल्दी से आपकी स्किन से हटेगी नहीं। अगर पसीना निकलता है आप उसको पोंछ लेते हैं तो आप सोचें कि ये सनस्क्रीम हमारे फेस से हट गई, तो ऐसा नहीं है। ये सनस्क्रीम बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैं कोई भी रिव्यू आपको ऐसे नहीं देती हूँ जब तक वो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से उसका रिज़ल्ट ना मिला हो। इसका रिज़ल्ट मिलने के बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो ये आपको यूज़ करनी चाहिए। इसमें सभी SPF आते हैं, 20, 30, 40, 45, 60, 70। आप अपने काम के अकॉर्डिंग SPF चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितनी देर घर से बाहर रहना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको पसंद ले लीजिए। इस प्रोडक्ट का रिव्यू इतना ही था। मेरी राय में ये आपको एक बार यूज़ करना चाहिए, यूज़ करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये कितना बेहतरीन है। जब आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो फिर आप इसको बार बार यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप सभी को यूज़फुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप प्लीज़ वहाँ उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।